By Devki E-commerce, home and kitchen, toys and wholesaler. Owner by Mr. Rakesh Bhai Kenny and Mr. Bhavesh Bhai Vaghani. એમજે રોયલ કો યહાં મે પહેલા હી ઝટકા યા અર ઓપનિંગ બલ્લેબાજ કો ધરાશાઈ કિયા ઓપનિંગ જોડી કો અર હાથ ધો કે નિકલના પડા યહાં ઓર કપિલ ભાઈ ઓ બોલિંગ કા જમેદારી કિસકો દિયા માલુમ હે હમારે ઓનરેબલ કમિટી મેમ્બર પ્રશાંત ભાઈ ખેની રૂપા 11 કી ઓર સે ઓપનિંગ બોલિંગ કરતે હે ઓર પહેલી ગેંદ મે વિકેટ લિયા बहुत ही बढ़िया गेंद डाली थी यहाँ पे प्रशांत भाई ने और पहले विकेट में विकेट झड़प लिया और ये लगातार दूसरा विकेट विकेट वंडर विकेट विकेट स्पॉन्सर्ड बाय देवकी ई कॉमर्स होम एंड किचन टॉयज एंड होलसेलर ओनर बाय मिस्टर राकेश भाई खेनी एंड मिस्टर भावेश भाई वाघाणी और ये रुपाई 11 के खेमे में काफी खुशी और ये एमजे रॉयल के खेमे में पूरा सन्नाटा छा गया दो गेंद में दो विकेट और ये प्रशांत भाई केनी को अगली गेंद में हैट्रिक का चांस या मेरे सारथी समय मुंह पे खुशखुशाल नजर आते हुए एमजे को यहाँ थोड़ी दिक्कतों का सामना प्रशांत जी ऑल द बेस्ट एमजे रॉयल्स के लिए यहाँ अग्नि परीक्षा है और उल्टी गिनती हो गई शुरू बगैर खाता खोले दो बड़ी विकेट यहां से प्रशांत जी यहां पूरी तरह से फील्ड सजाते हुए डीप स्क्वायर लेग को बाउंड्री लाइन के ऊपर रखा है क्योंकि गेंद अवसर बनेगा हवा के लिए लेकिन चांस भी होगा हैट्रिक का इस बीच अगली गेंद ओ हल्की सी गेंद हवा में लेकिन यहां चूकते हुए हैट्रिक चांस लेकिन फिर भी इस समय रुपाई 11 इस समय ओ हो हो ये क्या किया कमाल की बॉलिंग ये गया विकेट Wonder Weekend. Weekend sponsored by Devki E-commerce, home and kitchen, toys and wholesaler. Owner by Mr. Rakesh Bhai Kenny and Mr. Bhavesh Bhai Vaghani. Hello, Kapil Bhai. ये प्रशांत भाई ने कुछ सांझ में कुछ खाना खा लिया है बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का नजारा आपको क्या लग रहा है प्रशांत भाई ने क्या खाना खा के आए अरे खाना भी बेटर था ना मेरी मन पसंद खाना था और प्रशांत जी का यहाँ गेंदबाजी भी मन पसंद करते हुए क्योंकि प्रतीक जी आज मैंने कड़ी और खिचड़ी मैं हमेशा जेडी रेस्टोरेंट से ऑफिस पे खाता हूँ पर कपिल भाई प्रशांत भाई ने ना वो कड़ी स्पेशल पी रखी है इसलिए एक ही ओवर में 3 विकेट झटका लिए या क्या किस्मत ने दिया साथ चलते किए मेरे यारो 3 बल्लेबाज को यहां इस बीच अगली गेंद एमजे रॉयल्स के लिए खाता खोलने दो प्रशांत जी हल्की सी गेंद हवा में और इस बीच मिड विकेट की ओर से वापिस आई तब तक एक रन पूरा किया एमजे रॉयल्स को यहां खाता खुलता हुआ पहले ओवर की समाप्ति के बाद 1 रन लॉस ऑफ 3
बहुत ही बढ़िया गेंद थी, यहाँ पे अंपायर का वाइड बॉल का इशारा, वाइड के साथ धीरे धीरे अपना स्कोर आगे बढ़ेगा, 2 रन 3 विकेट दूसरी ओवर जारी। धुआधार बल्लेबाज यहां पे मैदान में खड़े हैं, धमा उठाया वहां पे लॉन्ग ऑफ के ऊपर, वहां पे फील्डर मौजूद, प्रशांत खुद गब्बर यहां पे मौजूद है, बहुत ही बढ़िया फील्ड किया। ओ ब्यूटीफुल शॉट, बुलेट की रफ्तार से गिनाती हुई, और इसे भी बेटर फील्ड, कोई मलाई नहीं यहां पे। इस बीच जतिन रनअप की ओर, रन के लिए निकलना चाहते थे, मना किया, एक का धोखा में मत पड़ो मेरे यारो, क्योंकि हालत इस समय बिगड़ी हुई है। ओ फिर से गुड डिलीवरी जतिन की ओर से, और इस समय एमजे रॉयल्स का स्कोर हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद 4 रन 3 विकेट के नुकसान पर। राणा मत बोलिए, क्योंकि इस समय ऐसा नहीं बोलना चाहिए। काफी एमजे रॉयल दबाव में है, नया गेंद बार दक्ष खैनी, कट करने की कोशिश, गेंद गया पे, यहां पे स्लिप सुके, वहां पे मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, दौड़ 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 दौड़, और ये गया अर्पित इंडस्ट्री का फैंटास्टिक फोर। फोर स्पॉन्सर्ड बाय अर्पित इंडस्ट्रीज डायमंड मशीन एंड सेकंड स्लिप में 4 विकेट। काफी तेज बॉलर है दक्ष, फिर यहां पे कैच करने की कोशिश की, वहां पे स्लिप ने सूखे बाल बाल बस गई हुए है बैट्समैन। इस बीच सोबलोल और कोई रन नहीं यहां पे, काफी दबाव में है एमजे रॉयल्स। देखो पावर वहां पे, दबाव में नहीं थे, बुलेट की रफ्तार से शॉट खेली थी, हाथ डालो तो हाथ जल जाए ऐसी स्थिति थी। बहुत ही बढ़िया दक्ष की गेंद वहां पे, एक रन चतुराई के साथ ले लिया दक्ष ने। काफी धुआधार दोनों बल्लेबाज, एम पिच पे खड़ा है हिरेन और धर्मेश,
और ये उठाया धमाने, गेंद गई है वहां पे सीधा प्रेक्षक के पास। इक्का नहीं चौका नहीं, ये लगा सिक्सर। मिगोरा आर्ट का सुपर सिक्सर। सिक्स स्पॉन्सर्ड बाय मिगोरा आर्ट, फैंसी साड़ी एंड लहंगा। ऑनर बाय खूबसूरत शेरन के लिए धर्मेश खैनी ने लगाया लॉन्ग ऑन के फील्डर के ऊपर से। फील्डिंग के कुछ परिवर्तन किया, हेलो इधर एमजे रॉयल्स के कैप्टन ऊपर हिरेन केन तो विकी खेनी की तरफ से उसको 5100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। ब्लॉक हॉल में डाली स्लो बॉल, बल्लेबाज चकमा खा गए। हल्की सी हवा में नीचे अवसर, अवसर ने अवसर ले लिया। ये गया विकेट, वंडर विकेट। विकेट स्पॉन्सर्ड बाय देवकी ई कॉमर्स, होम एंड किचन टॉयज एंड होलसेलर। ऑनर बाय मिस्टर राकेश भाई खेनी एंड मिस्टर भावेश भाई वाघाणी। और हिरेन भाई पर पैसों की बारिश होती हुई, हिरेन भाई 61 रन बनाएंगे तो 5100 रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा विकी खेनी की तरफ से। काफी है मैच का नजारा वीआईपी बॉक्स में लेते हुए हमारे नटू भाई, नरेश भाई, जनक भाई, सब प्रेक्षक हमारे वीआईपी बॉक्स में बैठे काफी मैच का नजारा लेते हैं। ठंडी ठंडी हवा लहराई हुई है सिन्हा स्वामी स्टेडियम में। और ये अगली गेंद हल्के से स्टॉप किया, गेंद गए सीधा बॉलर के पास, पूरी तरह से सम्मान दिया बैट्समैन ने। काफी रोशनी अच्छी जगमगती हुई है, ठंडी ठंडी हवा लहराई हुई है, काले काले बादल छाए हुए, बारिश आने की कोई संभावना नहीं है सिन्हा स्वामी स्टेडियम पर। फिर उठाया यहां पे आसान के साथ ये कैच ड्रॉप किया। अबे राणा जी आसान के साथ ड्रॉप थोड़ी करेंगे मेरे यारों, और गर्मी के मौसम में बारिश आएगी तो घाटा पड़ सकता है पटेल बंधुओं को। चौमासे में कम बारिश तो अभी बहुत दूर है, लेकिन वो मैं बोलता था कि बारिश आएगी की कोई संभावना नहीं है। कपिल भाई या ऐसा एक दर्शकों के लिए भी एक ऑफर है, जो भी दर्शक बाहर से कैच पकड़ेंगे तो उसको 5 गिफ्ट वाउचर मिलेंगे, एक तुलसी डोसा का, एक 360 ओरा का,
एक पिनेरा नट्स का काजू बादाम का और साइलेंट एंड डिस्काउंट को 60% डिस्काउंट कोई भी बूट खरीदी के पर, और बहुत ही बढ़िया एक अभिनंदन मोटर की तरफ से डिस्काउंट ऑफर कोई भी कार सर्विस में। तो दर्शकों के लिए भी 5-5 ऑफर रखा है एपीपीएल वालों ने, तो दर्शकों ये केस जाना नहीं चाहिए, आप ये तक का लाभ ले लीजिए। ओ कलाइयों से मोड़ दिया अवसरों के बावजूद गेंद, ये शॉट मैंने कितनी साल के बाद देखा, मैंने लगा है कि वीरेंद्र सहवाग ने शॉट खेला। और ये गया अर्पित इंडस्ट्री का फैंटास्टिक फोर, स्पॉन्सर्ड बाय अर्पित इंडस्ट्रीज डायमंड मशीन एंड मैन्युफैक्चरर, ओनर बाय मिस्टर विवेक भाई धामेलिया एंड मिस्टर बिपिन भाई धामेलिया। बहुत ही बढ़िया अच्छी शॉट खेला यहाँ पे हिरेन खैनी ने, पॉइंट के ऊपर यहाँ पे बीचों बीच निकल गई हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। राणा यहाँ से एमजे रॉयल्स का थोड़ी गाड़ी रफ्तार की ओर पकड़ती हुई, આઉટ નહીં, હું સ્લો બોલી આમને રવા દો, રોકે રવા દો। बहुत ही अच्छा बॉलिंग करते हैं यहाँ पे हमारे दक्ष खैनी, सामने है हिरेन खैनी, खैनी बंधु आमने सामने। खैनी बंधु के बीच जंग, ओ बुलेट की रफ्तार से साथ ही अंपायर की अंगली हवा में उठी यहाँ पे यार, और एक विकेट का पतन हो गया एमजे 11 का। आज यहाँ पे हमारे प्रशांत के लिए एक इनाम का एक और पुरस्कार जारी, प्रशांत जो आज कैच पकड़ेगा तो वत्सल भाई के लिए एक स्प्रे की किट। और ये गेंद हवा में पीछे फील्डर मौजूद, उन्हीं के पास कोई मौका नहीं था बॉल पकड़ने के लिए, वहां पे ऑफ साइड में खेला दोनों बल्लेबाज ने आसानी के साथ 2 रन पूरा किया, 2 रन के साथ धीरे धीरे अपना स्कोर आगे बढ़ेगा 32, 5 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर के लिए। ड्रिंक्स ओके ऑल द बेस्ट डॉक्टर जीतू भाई, जहां वजह से कमेंट्री बॉक्स पास आवे डॉक्टर जीतू भाई। 30 रन 5 विकेट के नुकसान पर, लेट है
કાર્ગો સર્વિસ સેન્ટર મિસ્ટર તુષાર જાની પ્રેઝન્ટ પરવડી પટેલ પ્રીમિયર લીગ સીઝન 3 માં આપ સૌ મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ટાઇટલ સ્પોન્સર્ડ બાય કાર્ગો સર્વિસ સેન્ટર, ઓનર બાય મિસ્ટર તુષાર જાની, મેન્ટર એન્ડ મોટિવેટર આદરણીય શ્રી DH ગોયાણી સાહેબ. કો સ્પોન્સર્ડ બાય કેની ઇન્ફ્રા એન્ડ ફૂડ્સ, ઓનર બાય મિસ્ટર બાબુભાઈ વિખાની એન્ડ મિસ્ટર હરીશભાઈ વિખાની. ફોર સ્પોન્સર્ડ બાય અર્પિત ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, ઓનર બાય મિસ્ટર બિપિનભાઈ ધામેલિયા એન્ડ મિસ્ટર વિવેકભાઈ ધામેલિયા. સિક્સ સ્પોન્સર્ડ બાય મિગોરા આર્ટ્સ, ઓનર બાય મિસ્ટર સંજયભાઈ ખેની એન્ડ મિસ્ટર હિતેશભાઈ ખેની. વીકેટ સ્પોન્સર્ડ બાય દેવકી ઈ કોમર્સ એન્ડ હોલસેલર, ઓનર બાય મિસ્ટર રાકેશભાઈ ખેની એન્ડ મિસ્ટર ભાવેશભાઈ વાગાણી. યુટ્યુબ લાઈવ સ્પોન્સર્ડ બાય શિવ ઓર્થોપેડિક હોસ્પિટલ એન્ડ જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ સેન્ટર, ઓનર બાય ડોક્ટર કેતનભાઈ ખેની. વોટર સ્પોન્સર્ડ બાય ઓમ જરી એન્ડ મેટાલિક, ઓનર બાય મિસ્ટર હરેશભાઈ ખેની એન્ડ મિસ્ટર મિતુલભાઈ ખેની. ફૂડ સ્પોન્સર્ડ બાય જેકે એન્ડ ગ્રુપ, ઓનર બાય મિસ્ટર જય ખેની આર્ટિસ્ટ. સ્ટ્રેટેજિક ડ્રિંક કાર્ડ સ્પોન્સર્ડ બાય કુપીઝ વેડિંગ હાઉસ, ઓનર બાય મિસ્ટર બિરાજ ખેની એન્ડ મિસિસ કૃપા ખેની. ટી શર્ટ સ્પોન્સર્ડ બાય સુલક્ષ્મી સારીઝ, ઓનર બાય મિસ્ટર હિરેનભાઈ ખેની એન્ડ મિસ્ટર હિતેશભાઈ ગોયાણી. જ્યુસ બિપિનભાઈ બલરજાઓ એનાથી કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં હાજર થાય. ઓ ફિર સે ગુડ ડિલિવરી યહાં પે. પરોડી પટેલ પ્રીમિયર લીગ સીઝન 3 ના તમામ ઓર્ગેનાઇઝરો કોમેન્ટ્રી બોક્સ પાસે આવે, તમામ ઓર્ગેનાઇઝરો કોમેન્ટ્રી બોક્સ પાસે આવે. જો મારો અવાજ આવતો હોય તો તમામ ઓર્ગેનાઇઝરો કોમેન્ટ્રી બોક્સ પાસે આવે. બહુત હી બઢિયા ગેંદ થી ગેંદ ગઈ સીધા વિકેટ કીપર કે ગસ્તાનો મે. ગેંદબાજી મે કુછ પરિવર્તન, કપ્તાન ખુદ પ્રશાંત ખેની યહાં પે બોલિંગ ફેંકતે હૈ ઓર યે લેકિન વહાં પે અમ્પાયર કા વાઇડ બોલ કા ઇશારા, વાઇડ કે સાથ ધીરે ધીરે અપના સ્કોર આગે બઢા. 34-5 વિકેટ કે નુકસાન પર છઠ્ઠા ઓવર જારી. એ મેચ કા હમારા જી હાંસ ખેની આજ મેચ કા નજારા લેતે કાફી હે થા ऑलराउंडर बैट्समैन बल्लेबाज है. और ये अगली गेंद वहां पे खेला, गेंद गए सीधा विकेट कीपर के हाथ. और ये अगली गेंद हवा में, वहां पे फील्डर मौजूद, दोनों बल्लेबाज ने हाना हाना कर दिया. रन आउट का खतरा और इसी के साथ ही आउट. काफी बढ़िया फील्डिंग में तालमेल होता है, हाना हाना करके करके अपने विकेट खोकर बैठे. और ये इस पारी में एमजे रॉयल के बल्लेबाज अजय खेनी 60 रन बनाएंगे तो विकी खेनी की तरफ से 5100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा.
आधी रात तक पुरस्कार तो बरसात सारी हुई रही है। सातवां ओवर लेके आए हैं पीयूष खेनी। लेग स्टंप से बाहर वाइड बॉल। ओ फिर से गुड डिलीवरी यहां पे। अपना पीपीपीएल कमिटी ना इनविटेशन ने मान आपी ने डॉक्टर પરેશભાઈ અમરેલિયા અહીંયા ઉપસ્થિતિ છે, તો ડૉક્ટર પરેશભાઈ અમરેલિયાને સ્ટેજ ઉપર સ્થાન લેવા નમ્ર વિનંતી, એમને આપણે સહર્ષ નોંધ લઈએ છીએ। ફિર સે પિયુષ કી ગુડ ડિલિવરી યહાં પે। एक पीयूष का अच्छा ओवर चलता हुआ, एक ही रन लेग स्टंप से दिशा चूक के वाइट निकल गई थी, इसके बाद कोई रन नहीं दिए। ऑर्गेनाइजर एवा केविन खेनी जहां हो त्यांथी कमेंट्री बॉक्स में आवे। केविन खेनी लेग स्टंप से बाहर वाइट बॉल। फिर से गुड डिलीवरी और इस बीच रन के लिए निकल पड़े, गेंद वापस आई, तब तक एक रन पूरा किया। फिर से एक रन चुरा लिया यहाँ पे। सात ओवर थे ना। एमजे रॉयल का इस समय सात ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ 38 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट। इस बीच और नयन की पहली बॉल वाइट यहां पे। अपना
આપણે કાલે બીજા દિવસે જે એક હોય પહેલી મેચ છે. ક્રિસ્ટલ કિંગ અને ઓમઝરીના પ્લેયરોને જો અત્યારે જવું હોય તો એવો લોકો જઈ શકે છે ઘરે, કારણ કે આપણે કાલે સવારમાં પહેલી 7 વાગ્યામાં મેચ છે એટલા માટે. તેમજ ઓનરશ્રીઓ પણ ટાઈમસર 7 વાગે સવારમાં આવી જશો. નયનજી આ દિશા ચૂકતે હોય હલકી સી, ક્યોંકિ બેક ટુ બેક 3 વ્હાઇટ બોલ કિયે ઓર એમજે રોયલ્સ કો યહાં 3 રનો કા સરકારી રનો કી બઢોતી મિલી. ફિર સે નીચી ગેન ઓર ડીપ સ્ક્વેર લેગ સે ગેન વાપિસ આઈ, તબ તક 1 રન પૂરા કિયા और उन 1 रन के साथ 43 पे पहुंच गए एमजे रॉयल्स. बड़ी हिट की प्रयास लेकिन नाकामयाब. इस बीच लॉन्ग ऑफ की ओर से गेंद वापस आई, तब तक 1 रन पूरा किया. ओ ये निकल गई मेरे यारो, एमजे रॉयल्स में हल्की जान और 6 रन के लिए. ભાઈ પ્રેક્ષકોને લઈએ પણ અહીંયા કેચ પકડશે અને 5 ફ્રી કૂપન આપવામાં આવશે, એટલે બધા કેચ પકડવાની ટ્રાય કરો. પ્રતિકજી મત બોલો મેરે યારો, કોઈ બેઠેગા નહીં. બેટ તો રહે લેકિન કોઈ ભી કેચ નહીં પકડ પા રહા હે ના ભાઈ. દેખો આઈ યા કમાલ કી આ ગુડ ડિલિવરી ઓર ઇસકે બીચ ગુડ ટ્રાય યહાં પે. बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का नजारा मूड़ी के द्वारा. या नाम ही ऐसा है मूड़ी, और मैं क्यों गवाऊ मेरे अपने बाप दादा की मूड़ी. किया काम अच्छा, बहुत ही बढ़िया बात की आपने कपिल भाई. या 6 रन निकल गई थी बुलेट की रफ्तार से, हाइट से हल्की ऊपर थी और हवा में चले गए और प्रयास किया. और कपिल भाई 5-10 दर्शक तो पीछे केस पकड़ने लिए खड़े भी हो गए लेकिन मूड़ी ने हाथ में ही नहीं आने दिया. या ओ फिर से पीयूष जी अगला ओवर लेके आए पहली बॉल पे, स्ट्रेट ड्राइव से वापिस आई, तब तक 1 रन पूरा किया. મૂડી અને જલ્પીન કેચ પકડશે તો એચકે પરફ્યુમ તરફથી ગિફ્ટ તોફા તૈયાર છે એમના માટે. फुल टॉस बॉल और करारा प्रहार, गेंद निकल गई स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन.
कपिल भाई ये मन मन में चल रहता हुआ ऐसा लग रहा है, कोई उत्साह ही नहीं दर्शकों में और बैट्समैनों में भी ऐसा लग रहा है। ये रुपए 11 ने खाप ही दबा के रखा है एमजे रॉयल्स को। प्रतीक जी यहाँ से ओ प्रशांत जी ने पूरी रूप बदल दिया। ये शाम की मैच तो पूरा ग्राउंड गाजने वाला था लेकिन पूरी तरह से एक तरफा कर दिया पहली ओवर में। नीचे बॉल और रन के लिए निकल पड़े, बढ़िया तालमेल, गेंद वापिस आई तब तक सुरक्षित क्रीज में। कपिल भाई आपने सही बात की क्योंकि प्रशांत भाई ने वो कढ़ी की पी ना, उसके बाद पहली ओवर में 3 विकेट चटका ली। खाना भी बेटर था और प्रशांत जी ने मन मोमन विचार कर लिया कि मैं क्यों रहूं पीछे, मेरे यार मिष्ठान मिल गई मुझे। और ये बहुत ही बढ़िया कैच उठाया हुआ और ये टाइमिंग का देखो खेल नहीं हुआ इसलिए मिसफील्डिंग। प्रतीक जी ये तोहफा है ना, उसमें आप कल बैंड लगा दो, ये तोहफे की वजह से यहाँ कैच छूटता हुआ। ये तो तोहफा मिल रहा है लेकिन दर्शकों के लिए है ना कपिल भाई, ये लोग के एक हाथ के वाला है ना तोहफा। हाँ वो तो बढ़िया है। हाँ भाई देव की ओर से, देव की ई कॉमर्स की ओर से कोई भी प्लेयर एक हाथ से कैच पकड़ेगा तो उसको भी एक तोहफा मिलेगा, बढ़िया तोहफा मिलेगा। अरे प्रतीक जी यहाँ मुड़ी के लिए एचके परफॉर्मेंस को छोड़ दिया लेकिन एक हाथों का तोहफा के लिए राजी थे, खुशी थे। वो तो आपने सही बात की। 9 ओवर की समाप्ति के बाद एमजे रॉयल्स का स्कोर हुआ 59 loss of 6। ये रन तो ये रुपए 11 है ना कपिल भाई, 3-4 ओवर में कर लेगी। इस इनिंग का ये आखिरी ओवर और ये परोड़ी पटेल प्रीमियम लीग सीजन 3 2024 का फर्स्ट डे का ये आखिरी मुकाबला है। उसी के साथ या लग गई कोई मिस कॉल नहीं, ये थोड़ी चलने वाली यार अवसर था वो गवाया। अब वो तो डॉक्टर साहब ने अवसर गवाया, डॉक्टर हर्षिल खेनी ने। क्या होगा फील्डर राइट है कैच नहीं, हमारे स्पॉन्सर है डॉक्टर हर्षिल खेनी, स्पॉन्सर श्री ने वो अवसर गवाया क्योंकि प्लेयर को नहीं मिलने वाला है ना, स्पॉन्सर को तो मिलेगा, जो भी स्पॉन्सर कैच पकड़ेंगे उसको भी एक गिफ्ट वाउचर मिलेगा। इस बीच अगली गेंद बाउंस हल्की हवा में थी टिप्पा खा के लेकिन कोई भलाई नहीं यहां पे। इस इनिंग का इस बीच बड़ी हिट की तलाश लेकिन रन के लिए निकल पड़े। फिर से खेल दिया और एक्स्ट्रा कवर से बेटर फील्डर लेकिन बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट यहां दोनों बल्लेबाज के बीच। और ये रुपए 11 ने एमजे रॉयल्स को काफी दबाव में रखा है। कपिल भाई आप क्या बताना चाहते हो बोलिए, कितने रन हो गए? इस बीच आखिरी बॉल पहला रन पूरा किया, इस बीच दूसरा रन के लिए निकल पड़े और बढ़िया तालमेल आसानी के साथ दूसरा भी पूरा कर लिया। उन 2 रन के साथ स्कोर हो गया 70 और यहां से जीत के लिए रुपाई के लिए चाहिए 71। અને ગ્રાઉન્ડ ઉપર આપણા જે કોઈ પ્લેયર મિત્રો હાજર હોય તો બધા જ પ્લેયર મિત્રોને વિનંતી છે કે જે આપણે બાઉન્ડ્રી ઉપર દોરડામાં જે કાંઈ એડવર્ટાઇઝના બેનર લગાવેલા છે તેઓ બધા
વ્યવસ્થિત કરીને આપણે ઘરે જવાનું છે. તો તમામ પ્લેયરને નમ્ર વિનંતી કે થોડોક સહકાર આપજો. આપણે દોરડામાં જે કાંઈ બેનર લગાવેલા છે તે બધા જ બેનર સરખા કરીને આપણે ઘરે જવાનું છે. મેચ પૂરી થાય ને એટલે બધા જ પ્લેયર મિત્રોને થોડો થોડો સહકાર આપવાનો છે. તેમજ ઓડિયન્સને પણ એક નમ્ર વિનંતી છે કે ભાઈ આપણે આ મેચ પૂરી થાય એટલે આપણે આજનો દિવસ ક્લોઝ થઈ જશે. આપણે કાલથી બીજા દિવસથી આપણી મેચનો પ્રારંભ થશે. તેમજ ઓડિયન્સો જે પણ ખુરશી ઉપર બેઠેલા છે તેઓ પણ થોડોક સહકાર આપજો. એ ખુરશી બધી એક સાઈડ કરી આપજો ને થોડોક થોડોક સહકાર આપજો. આપણી વ્યવસ્થા માટે જ આપણે આ ખુરશી રાખેલી છે. તો તમામ દર્શકોને બધા જ આપણા ઘરના અને ફેમિલી મેમ્બરો છે એટલે આપણે કહી શકાય કે થોડોક આપણે સહકાર આપો. કોઈ બહારના નથી એટલા માટે આપણે બધા જ બંને ટીમના કપ્તાનને વિનંતી છે કે ઝડપભેર આપ આપની જવાબદારી પે કાયમ. Sponsored by Kunj Construction, owner by Mr. Kalpesh Bhai Khani and Mr. Mahesh Bhai Goyani. Cap sponsored by Arpit Industries, owner by Mr. Vivek Bhai Dhamelia and Mr. Bipin Bhai Dhamelia. Energy drink sponsored by PO India Drinks, owner by Mr. Ravi Bua. Flex sponsored by Mr. Mayur Bhai Khani. To aao sau sathe mali aajni aa tournament ne maaniye. હેલો, આપણે એમઝર રોયલ્સના કેપ્ટન નમ્ર વિનંતી છે કે ભાઈ ઝડપથી ફિલ્ડિંગ સેટ કરે. રૂપા 11 વતી ભાઈ શ્રી પ્રશાંતજીને વિનંતી છે કે તમારા વિના અમને અણોકરું લાગે છે. પ્રારંભિક બલ્લેબાજ ઝડપભેર આવશે. તેમજ આપણી પરોડી પટેલ પ્રીમિયમ લીગ સિઝન 3 2024 જે કોઈ ચેમ્પિયન ટીમ થશે એને વાલમ દર્શન ટ્રાવેલ્સ તરફથી 5100 રૂપિયાનું રોકડ પુરસ્કાર મળશે. જે કોઈ ટીમ ચેમ્પિયન થશે એને વાલમ દર્શન તેમજ અમારે મૂડી ખેની હોનાર બલ્લેબાજ જેઓ બલ્લેબાજી કરને કે લીએ આયે ઉસકો એક રોકડ પુરસ્કાર જો 60 રન કે ઉપર બનાયેંગે તો ઉસકો 51 રૂપે કા નગદ પુરસ્કાર દેંગે. વીકે ખેની પ્રતીક જી એ મેચ કે લીએ પુરસ્કાર કા કેવલ તો બહાના થે 51 કે લીએ અવસર હી નહીં હે ક્યોંકિ રન કેવલ ચાહિયે 71 ફિર ભી બન પાયેંગે ના. એક રન બાકી હોગા ઓર સિક્સર લગાયેંગે તો 61 રન હોગે ના. કપ્તાન ઝડપભેર શરૂ કરશો. એમજે રોયલ્સ વતી કપ્તાન આપણે ફિર નહી તો મુજે વાવ 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 અમરોલી બ્રિજ પે યાર પકડ લેતા હે. અમ્પાયર શરૂ કિયા જાય.
ફોન આવ્યો હતો કેનલ રોડ માં વાઇટ બોલ લગાતાર દો ગેન વાઇટ યા દોનો સરકારી બડોતી મે સરકારી રન છે ખાતા ખુલતો હોવા રૂપિયા 11 કા ઇસ બીચ અગલી ગેન ગેન ચલી ગઈ હવા મે નીચે અવસર ઓર ચૂક હોતી હૈ એસી ક્યોંકિ કીપર ઓર બોલર આપિસ મે ટકરા ગઈ ડોક્ટર જીતુભાઈ કેની ગ્રાઉન્ડ માં જશે ભાઈ ડોક્ટર જીતુભાઈ ઓ નીચી બોલ કોઈ રન કી ગુંજાઇશ નહીં યહાં પે ઓ એ ઉડાન ભરલી તારા મંડળ મે ચલી ગઈ 6 રન કે લીએ કેવિન ભાઈ નયા બોલ દીજીએ બોલ પોન્ચર એવા અમારા કેયુરભાઈ ખેની સાગરભાઈ ખેની પ્રતિકજી યહાં દીક્ષાંત ખેની અગર કેચ પકડેગા તો એચકે પરફ્યુમ કી ઓર સે ગિફ્ટ મિલેગા આજ તો અમારે વત્સલભાઈ ખેની ને ગિફ્ટ કા તો બારિશ લગા દઈએ ઓ સ્લો બોલ લેકિન ઇસ બીચ એક રન પૂરા કિયા પ્રતિકજી એસા લગતા હૈ કે 3 દિન કા યહાં ખિલાડી જો ગિફ્ટ ઇકઠ્ઠા કરે ગ્રાઉન્ડ પે તો યા તો રિક્ષા કરના પડેગા યા તો ફિર ફોરવીલ લેકે જાના પડેગા ઘર પે ઇતના તોહફા નીચી બોલ અરે મલાઈ નહીં હોગી ઇસ બીચ આવાજ જરૂર દી થી રાત મે થોડી રોશની કમ હોતી હૈ તો એસા હોતા હૈ ક્યોંકિ મે ઓર આપ તો યહાં માઇક્રોફોન પે કેવલ બાત કર સકતે લેકિન ગ્રાઉન્ડ પે તો નજારા કુછ અલગ હોતા હૈ નહીં નહીં એસા તો કેપિટલ ગ્રાઉન્ડ મેં રોશની કા તો કોઈ પ્રોબ્લેમ હૈ હી નહીં લેકિન નાઇટ હે નાઇટ હે ફિર ભી મેને ભી ઇસમે નાઇટ ખેલા હૈ કપિલ ભાઈ અગલા ઓવર લેકે આયે દીક્ષાંત ખેની ઓર સ્ટ્રાઇક પે હે જલપિન ઓ ગુડ ડિલિવરી યહાં પે દીક્ષાંત કી ઓર સે
ओ नीची बॉल आवाज दी लेकिन इस बीच रन के लिए निकल पड़े। दीक्षांत के लिए एचके ग्रुप है राजी। दीक्षांत अगर कैच की गुंजाइश नहीं है लेकिन विकेट लेगा तो उसके लिए भी एचके परफ्यूम्स की ओर से तोहफा। नीची बॉल और इस बीच वापिस आई, तब तक एक रन पूरा किया। ये अवसरों के बावजूद गेंद हवा में, नीचे अवसर है लेकिन निकल गई 6 रन के लिए। सॉरी चार रनों के लिए। कपिल भाई मेरे को तो लग रहा है रोशनी की वजह से फील्डर जज नहीं कर पाए कैच को, या गेंद काफी देर हवा में ऊपर चल गई थी। मेरे को भी ऐसा लगा कि अवसर है, यहाँ पे हाइट से ऊपर चली गई थी। गुड डिलीवरी यहाँ पे दीक्षांत खेने के द्वारा, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। फिर से जलपिन, ओ हो हो, दीक्षांत ने यहाँ जलपिन को ब्लॉक वॉल में डाल दिया, चकमा खिलाया। और इस समय रुपाई का स्कोर हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन। यहां से जीत के लिए 48 बॉल में चाहिए 53। रास्ता है बिल्कुल आसान। ये अवसर है यहाँ पे और बहुत ही बढ़िया कैच करते हुए दीक्षांत खेनी। दीक्षांत का नाम क्या है, कैच किसने पकड़ा मेरे यारो? दीक्षांत खेनी ने। दीक्षांत या दीक्षांत के लिए कदम रखो और तोहफा रखा था। अरे दीक्षांत ने यहाँ अवसर कर लिया अपने कदमों में। नहीं नहीं, एक हाथों से पकड़ेगा ना तो ही अवसर मिलेगा ना कपिल भाई। दीक्षांत के लिए प्रतीक जी हर जगह तोहफा, हर कदम रखेंगे। जब बॉलिंग के लिए आए तो विकेट के लिए रखा था। एचके की ओर से यहाँ पूरी तरह से दीक्षांत पे राजी थे। ओके ओके, और इसी के बाद अगला बल्लेबाज जतिन खेनी। કેમ થયું? નહીં ખબર કે હા ઓકે હા ઓકે એ ઓનલી
ओ ये डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर गेंद निकल गई चार रन के लिए। कपिल भाई आपको क्या लग रहा है रुपए 11 कितनी ओवर में ये गेम खत्म करेगी? और व्हाइट के साथ एक्स्ट्रा फोर। इस बीच अगली गेंद या ये अवसर के बावजूद गेंद और कमाल का कैच, नियंत्रण पे कैच या हर्ष ने किया यहां एमजे रॉयल्स के लिए। हर्ष देखो स्क्रीन पे नजारा देखो कितना नियंत्रण से। गेंद निकल गई थी छह रन के लिए देखो स्क्रीन पे देखो। नहीं है कपिल भाई आउट है। एक मिनट रुको भाई कपिल भाई निर्णय आपसे। कपिल भाई हूँ छे या ओके अरे अंपायर व्हाइट बॉल ये ओला बेहवा वाला सिक्सर नहीं मांग रहा था बे नहीं जी एनएम की तो आउट से एम की तो ओला लोग एम की तो के सिक्सर से एम એટલે रुपए वाला सिक्सर कौन रुपए वाला ये नहीं और एम आ सवार में भाई ओके याद तो तो याद देवानी आ सवार में तैयार हो के रेटा तवर कर ले नीचे बॉल और सेकंड स्लिप की ओर से गेंद निकल गई पहला रन पूरा किया गेंद वापिस आई तब तक दूसरा रन भी पूरा कर लिया। उन दो रन के साथ स्कोर हो गया 33 लॉस ऑफ टू विकेट और यहां से जीत के लिए 14 डिलीवरी में चाहिए 38 रन। रास्ता है बिल्कुल रुपए का आसान।
एक कदम आगे आके बड़ी हिट की प्रयास लेकिन नाकामयाब। વાઇટ બોલ ગીતેશભાઈ જ્યાં હોય તે કોમેન્ટ બોક્સ પાસે આવે ગીતેશભાઈ ઓ ચલી ગઈ ઉપર હવા મેં અવસર હૈ યહાં ઓર યે ભી કિસ્મત ને નહીં દિયા સાથ યહાં પે दीक्षांत के पास अवसर था लेकिन चूकता हुआ यहाँ पे ओ ये निकल गई उड़ानों के ऊपर 6 रन के लिए। ये अवसरों के बावजूद पहले सेफ लैंड हो गए लेकिन फील्डर हो गए लैंड। गेंद निकल गई वन बाउंड चौका कपिल भाई या देखो दर्शक मित्रों ने एक नम्र विनती है कि जे तमे खुर्ची पर बैठेला छो ने તો મેચ પૂરી થાય ને એટલે બધી ભેગી કરીને એક થોડોક સહકાર આપજો બધા જ આપણા ઘરના મિત્રો છે એટલા માટે આપણે કહી શકાય તેમજ ગ્રાઉન્ડ પર જે કોઈ ખેલાડી હાજર હોય તો આપણે બાઉન્ડ્રી ઉપર જે દોરડાની અંદર આપણે એડવર્ટાઇઝ લગાવેલી છે તેમના બોક્સ થોડાક સરખા કરી આપવા નમ્ર વિનંતી રૂપા 11 કા ઈ સમય સ્કોર હુઆ 4 ઓવર કી સમાપ્તિ કે બાદ 45 ઓર યહાં સે જીત કે લિયે 36 डिलीवरी और रन चाहिए केवल 26। વાઇટ બોલ લેગ સ્ટમ્પ સે થોડી દિશા ચૂકતે હુએ इस बीच अगली गेंद जतिन को पूरी तरह से दबा के रख दिया है रन नहीं है फिर भी कोई बल्ले का पेस खोलने का अवसर नहीं देते यहाँ पे। इस बीच अगली गेंद ओ फील्डर किन चोट से गेंद निकलती हुई सीमा रेखा की बाहर 4 रन के लिए उन 4 रन के साथ स्कोर हो गए पूरे 50 रन और यहां से जीत के लिए
21 રન ચાહીએ 33 બોલ મેં. ડીપ સ્ક્વેર લેગ ફિલ્ડર પેરો સે પ્રયાસ ઓર ઇસ બીચ સફલ ભી હુએ. લોંગોન કી ઓર સે ગેન વાપિસ આઈ તબ તક એક રન પૂરા કિયા. ओ ब्लॉक होल में डाली दीक्षांत ने यहाँ पे और इस बीच भाग्य ने दिया साथ. पहला रन पूरा किया, दूसरा रन के लिए निकल पड़े और बढ़िया तालमेल अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ दोनों बल्लेबाज के बीच. ये लग गई मेरे यारो, गेंद निकल गई स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से जड़ दिया 6 रन के लिए. फुल टॉस गेंद और करारा प्रहार किया, निकल गई लंबी उड़ान के लिए. અમ્પાયર કી ઓર સે વ્હાઇટ કા ઇશારા. ओ नीची बॉल, कोई रन की गुंजाइश नहीं यहाँ पे. और ये रुपए 11 को जीतने के लिए 11 रन चाहिए 24 बॉल में. डिंग्स ऑन अ फील्ड, डिंग्स ऑन अ फील्ड. कप्तान ने विनंती छे के ખોટો સમય ન લેશો, માત્ર 11 રન બાકી છે. અમે ડિક્લેર કર્યા વિના એમને પોતાનો પ્રેમ જતાવ્યો.
કાર્ગો સર્વિસ સેન્ટર મિસ્ટર તુષાર જાની પ્રેઝેન્ટ પરવડી પટેલ પ્રીમિયર લીગ સીઝન 3 માં આપ સૌ મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ટાઇટલ સ્પોન્સર્ડ બાય કાર્ગો સર્વિસ સેન્ટર, ઓનર બાય મિસ્ટર તુષાર જાની, મેન્ટર એન્ડ મોટિવેટર આદરણીય શ્રી DH ગોયાણી સાહેબ. કો સ્પોન્સર્ડ બાય કેની ઇન્ફ્રા એન્ડ ફૂડ્સ, owner by Mr. Babubhai Vikhani and Mr. Harishbhai Vikhani. Four sponsored by Arpit Industries, owner by Mr. Bipinbhai Dhamelia and Mr. Vivekbhai Dhamelia. Six sponsored by Migora Arts, owner by Mr. Sanjaybhai Kheni and Mr. Hiteshbhai Kheni. Weekend sponsored by Devki E-commerce and Wholesaler, owner by Mr. Rakesh Bhai Khani and Mr. Bhavesh Bhai Vagani. YouTube Live sponsored by Shiv Orthopedic Hospital and Joint Replacement Center, owner by Dr. Ketan Bhai Khani. Water sponsored by Om Jari and Metallic, owner by Mr. Harish Bhai Khani and Mr. Mitul Bhai Khani. Food sponsored by JK and Group, owner by Mr. Jai Khani Artist. Strategic Drink Cart sponsored by Kupi's Wedding House, owner. के लिए निकल पड़े मिड विकेट की ओर से गेंद वापस आई, तब तक एक रन पूरा किया. और ये कपिल भाई हमारे माधवन महादेव 11 के दो होनार बल्लेबाज राजप्रा साहब और अंकित खेनी कमेंट्री बॉक्स में आए हुए हैं. दोनों बल्लेबाजों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं. ये अवसर था, अगर डायरेक्ट हिट लगती तो ये खामियाजा भुगतना पड़ता. कपिल भाई हमारे होनार बल्लेबाज राजप्रा साहब और अंकित खेनी कमेंट्री बॉक्स में आए हैं. देखो स्क्रीन पे, डायरेक्ट हिट लगती तो बिस्तरा पोटला बांध के निकला पड़ता. इस बीच अगली गेंद फिर से स्लो बॉल, रन के लिए निकल पड़े. और ये दूसरी बार रन आउट का सांस सूखते हुए एमजे रॉयल्स के फील्डर. ब्यूटीफुल शॉट और इसे भी बेटर फील्डर, एक ही रन. जीत के लिए 8 ही रन चाहिए. स्लो बॉल और इस पिच डीप कवर से गेंद वापस आई, तब तक एक रन पूरा किया. कपिल भाई तेमज हमारा आपड़ा आमंत्रण ने मान आपीने जे मेहमान श्रीओ पधार्या छे તે તમામ મહેમાનશ્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર. और ये अगली गेंदबाजी संभालेंगे पार्थ. और ये पहली गेंद वाइट. प्रशांत जी ने यहां रणनीति भी नहीं बनाई क्योंकि
सेमीफाइनल का रास्ता के लिए ये रफ्तारों से रन यहाँ बनाना चाहिए, क्योंकि अवसर था यहाँ दूसरी इनिंग स्लो चलती हुई। वाइट बॉल, उसी के साथ केवल शेष 5 रन जीतने के लिए रुपया 11 को बाकी है। तो आपड़ा में गमी नहीं आई है तो ताऊ से इस बीच खेल दिया, गेंद निकलती हुई, पहला रन पूरा किया, दूसरा रन भी पूरा कर लिया इस बीच। टॉम मोडी ने मना कर दिया दूसरा रन लेने के लिए, या वापिस आए। वो चकमा खिला है यहाँ पे, और प्रतीक जी यहाँ प्रशांत जी ने समीक्षा नहीं किया होगा कि दूसरी इनिंग के लिए रास्ता था बिल्कुल क्लियर, और रफ्तारों से बल्लेबाजी करनी थी क्योंकि सेमीफाइनल का रास्ता एक अवसर है। क्या नहीं, कहेंगे? नहीं नहीं कपिल भाई, आप प्रशांत जी को जानते नहीं, वो अभी प्रैक्टिस मैच खेलते हैं ना, वैसा खेल रहे हैं। या खेल दिल्ली देखो मेरे यारो, कोई गुंजाइश नहीं, क्रीज छोड़ के चले गए। ऑल द बेस्ट। जीत के लिए केवल 4 रन चाहिए। और ये अगले बल्लेबाज शैलेश खेनी उर्फे लांबा, और ये वाइट के साथ एक एक्स्ट्रा रन देते हुए एमजे रॉयल्स के प्लेयर। इसी के साथ रुपए 11 को मात्र 2 शेष रन बाकी है जीतने के लिए। अभी तो ये मैच में खाली औपचारिकता रह गई ऐसा लग रहा है। इस बीच गुड डिलीवरी, यहाँ पे कोई रन नहीं। और प्रतीक जी ऐसा नहीं लग रहा था कि एमजे रॉयल्स के लिए भी कठिन काम, लेकिन उससे भी दूसरी इनिंग में भी दबा के रख दिया। अंपायर मित्रों ने एक विनती से कि भाई मैच पूरी था इतने स्टंप ऊपर लगेली गिली लेता हुए। फिर से नीची बॉल, बेहतरीन डिलीवरी यहाँ पे। कपिल भाई मेरे को एक कॉल आया था कि भाई वो धीमी पिच हो गई है, इसलिए लोग धीरे खेल रहे हैं कि पिच है ना वो पूरी तरह से टूट गई है, वैसा कॉल आया था, इसलिए वो लोग भी स्लो हो गए खेलने के लिए। ऐसा नहीं है, एमजे के दबा के रख दिया है। ये स्पीच पहला रन पूरा किया, और ओवर भी खत्म हुआ लेकिन रन विजय के लिए खत्म नहीं हुआ। एक रन और चाहिए जीत के लिए। स्लो हालत हुए
स्कोरी अगले बॉलर मीत केनी उसका सामना करेंगे जतिन केनी और ये अगली गेंद हल्के हाथों से लेग साइड की और खेलते हुए जतिन केनी उसके साथ विन हो गई रूपा इलेवन। अंपायर ने एक विनती है कि भाई स्टंप ऊपर लागेली गिली लेता आवे અને પ્રેક્ષક મિત્રો ને એક નમ્ર વિનંતી છે કે ભાઈ ખુરશી થોડી ભેગી કરવામાં સહકાર આપજો, આપણે ઘરના જ મિત્રો છો એટલા માટે કહી શકાય। અને પ્લેયર મિત્રોને પણ એક વિનંતી છે કે ભાઈ બાઉન્ડ્રી ઉપર લાગેલા બેનર્સ તેમજ આપણે દોરડાની અંદર લાગેલી એડવર્ટાઇઝ થોડી સરખી કરવામાં એક સહકાર આપજો, તેમજ આપણા તમામ સ્પોન્સરશ્રીઓ આખો દિવસ હાજરી આપી તે બદલ તમામ સ્પોન્સરશ્રીઓનો, મહેમાનશ્રીઓનો, દર્શક મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર। ગુડ નાઇટ, શુભ રાત્રિ, કલ સુધી।